हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटीशियन पे और मैं हूँ रेखा। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो टेक्सचर उसका होता है वो कितने कितने टाइप का होता है और कौन सी स्किन टाइप के ऊपर कौन सा टेक्सचर जाता है, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो है लिक्विड फाउंडेशन कौन से स्किन टाइप के लिए होता है। तो लिक्विड आप चाहें तो लिख भी सकती हैं, लिक्विड फाउंडेशन ऑल स्किन टाइप के लिए होता है, यानी कि सभी स्किन टाइप के लिए होता है, चाहे वो ड्राई हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, नॉर्मल हो, कोई भी स्किन टाइप हो, सभी के ऊपर जो है लिक्विड फाउंडेशन सूट करता है। इसके बाद आता है क्रीम फाउंडेशन। क्रीम फाउंडेशन जो होता है वो नॉर्मल से लेकर ड्राई स्किन के लिए, यानी कि स्पेशली वो क्रीम फाउंडेशन ड्राई स्किन के लिए होता है, लेकिन अगर आप ठंडियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप नॉर्मल स्किन के ऊपर भी कर सकती हैं। तो आप मान के चलिए उसको कि ड्राई स्किन के लिए क्रीम फाउंडेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पाउडर या केक फाउंडेशन, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमारा स्पेशली ऑयली स्किन के लिए होता है, क्योंकि पाउडर जो होता है वो ऑयल का सोखने का काम करता है, तो इसलिए पाउडर या केक फाउंडेशन आपके सामने शो भी हो रहा है। केक फाउंडेशन जो होता है उसे हम थोड़ा सा स्पंज को गीला करके इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सिर्फ इस्तेमाल करना नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे फिर सिर्फ स्किन टाइप के हिसाब से मैं फाउंडेशन बता रही हूँ, उसको मैं और आगे की वीडियोस में बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है पाउडर या केक फाउंडेशन को आपको ऑयली स्किन पर करना है। अभी जो बचता है वो स्टिक फाउंडेशन है, वो जाता है ऑयली स्किन के लिए। स्टिक फाउंडेशन जो है वो भी जाता है ऑयली स्किन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर नहीं समझ में आया है तो लिख लीजिए, नहीं और ज़्यादा नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं, मैं इसके आगे की वीडियो में और ज़्यादा क्लियर करूँगी इसको, एक एक चीज़ को और अच्छे से शो करूँगी। मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैं थोड़ी देर से मैं आपको वीडियो में कुछ इमेज वगैरह शो करने की कोशिश कर रही थी कि शो करके आपको और अच्छे से बता सकूँ, पर मोबाइल की गैलरी जो थी वो फुल हो चुकी थी और मैं बहुत सारे स्क्रीन शॉट इमेज निकाल कर रख चुकी थी, टाइम वैसे ही बहुत ज़्यादा हो चुका था उसको निकल, पर मोबाइल में गैलरी फुल होने के कारण वो वहाँ पे सेव नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण वो कोई भी इमेज मेरे सामने नहीं है। लास्ट में मैंने फिर सारी गैलरी को क्लीन किया, साफ़ किया, उसके बाद जाके यहाँ यानी कि वहाँ की फ़ोटो वगैरह वीडियोस वगैरह हटाई, तब जाके लास्ट में एक स्क्रीनशॉट ये लिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल आपको ये समझना है कि कौन सी स्किन टाइप के ऊपर कौन से टेक्सचर का फाउंडेशन जाएगा। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ समझ लिया जो कि आपको याद करना होगा, ठीक है, ये चीज़ों को याद करना होगा, प्लस प्रोडक्ट को देखकर भी काम करना होगा कि हाँ प्रोडक्ट का टेक्सचर क्या है। कभी कभी स्टिक वाले जो होते हैं उसमें भी क्रीमी टेक्सचर में आते हैं जो कि ड्राई स्किन के लिए जाते हैं, तो आपको टेक्सचर को देख कर करना होगा कि उसमें अगर बहुत ज़्यादा ऑयलपन या नमी है तो आप वो ड्राई स्किन पर इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई भी प्रोडक्ट में जो है ऑयलपन बिल्कुल नहीं है, मैट दिख रहा है और उसमें ऑयल बिल्कुल नहीं है, तो आप गर्मियों में और ऑयली स्किन पर आराम से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं आपको टोटल और एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से समझा पाऊँ। अगर नहीं समझ में आया तो आप जो है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट।